नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका रेट इन्फोवीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ हावड़ा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई पसंद की वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह ट्रेन हावड़ा जंक्शन से ग्वालियर जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 12175। यह ट्रेन 23 घंटे 30 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है। टोटल दूरी जो ये ट्रेन कवर करती है वो है 1288 किलोमीटर। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 54 किलोमीटर पर आर और इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं। यह ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन चलती है, रविवार, मंगलवार और बुधवार के दिन। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें एसी सेकंड टायर, एसी थर्ड टायर, स्लीपर क्लास, अनरिजर्व्ड, जनरल डिब्बे अवेलेबल हैं। एसी सेकंड टायर का किराया है 2070 रुपये, एसी थर्ड टायर का किराया है 1440 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 540 रुपये, अनरिजर्व्ड जनरल डिब्बे का किराया है 299 रुपये। यह अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर कंफर्म कर लें। अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल और स्टेशनों के बारे में। यह ट्रेन हावड़ा जंक्शन से हर रविवार, मंगलवार और बुधवार को शाम के 5:45 पर 9 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। इसका अगला स्टेशन आता है बर्धमान जंक्शन, जहां पर ये शाम के 7:05 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दुर्गापुर, जहां पर ये शाम के 7:52 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है आसनसोल जंक्शन, जहां पर ये रात के 8:35 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है धनबाद जंक्शन, जहां पर ये रात के 10:17 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमोह, जहां पर ये रात के 10:52 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है पारसनाथ, जहां पर ये रात के 11:10 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है कोडरमा जंक्शन, जहां पर ये रात के 12:10 पर पहुंचती है और इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन आता है गया जंक्शन, जहां पर ये रात के 1:45 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है देहरी ऑन सोने, जहां पर ये रात के 2:51 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों सासाराम जंक्शन, जहां पर ये रात के 3:04 पर पहुंचती है और इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन आता है भाबुआ रोड, जहां पर ये रात के 3:37 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 4:50 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है चुनार जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 5:42 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन मिर्जापुर पर पहुंचती है सुबह के 6:09 पर और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है विंध्याचल, जहां पर ये सुबह के 6:25 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है अलाहाबाद शिकोई जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 7:30 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है।
अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों मणिपुर जंक्शन, जहाँ पर यह सुबह के 9:15 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन चित्रकूट धाम करवी पर पहुँचती है सुबह के 9:56 पर और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है अतर्रा, जहाँ पर यह सुबह के 10:26 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है बांधा, जहाँ पर यह सुबह के 11 बजे पहुँचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन मोहबा जंक्शन पर पहुँचती है दोपहर के 12:05 पर और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है कुलपहाड़, जहाँ पर यह दोपहर के 12:25 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है हरपालपुर, जहाँ पर यह दोपहर के 12:55 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है मऊ रानीपुर, जहाँ पर यह दोपहर के 1:20 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों निवारी, जहाँ पर यह दोपहर के 1:50 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है बरुआ सागर, जहाँ पर यह दोपहर के 2:05 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है झांसी जंक्शन, जहाँ पर यह दोपहर के 3:10 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन आता है दतिया, जहाँ पर यह दोपहर के 3:52 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। सेकेंड लास्ट इसका स्टेशन आता है डबरा, जहाँ पर यह शाम के 4:15 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने आखिरी स्टेशन ग्वालियर जंक्शन पर पहुँचती है शाम के 5:15 पर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।